मेमोरेबल मोमेंट्स। एक बाप अपने छोरे का गली लगाने लगा। यहाँ पेड़ की कटिंग देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी पार्क की हुई है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो भाई आप देख रहे हो वेदी ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और पीछे तैयारियाँ हो रही है भाई एनिवर्सरी की। और भाई आज हमें जाना है झारसुगड़ा, क्योंकि वहाँ भैया भाभी आ रहे हैं फ्लाइट से। तो और घर भी भाई हो चुका है लगभग रेडी, मतलब सजा सुजू के लाइट वाइट लग रही है, टेंट लग रहा है। और भाई मज़े करेंगे यार। और तो चलते हैं फिर, पहले थोड़ी डांस प्रैक्टिस करके और फिर चलते हैं, गाड़ी आने वाली है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई गाड़ी आ चुकी है और डांस प्रैक्टिस तो की नहीं यार, मगर क्यों यार, मस्ती की सिर्फ। तो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या क्या व्यू है। चल चल चल, बैठ आगे। झारसुगड़ा के भाई एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और पार्किंग में गाड़ी लग चुकी है और रसीद सी काट के दी इन्होंने एक पार्किंग की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो देखते हैं, वो पैसे बाद में बताएंगे, शायद होंगे। तो बाकी ये कुछ लुक धुंधला धुंधला दिख रहा है, आगे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखाता हूँ। ओके। और भाई यहाँ पेड़ की कटिंग देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी पार्क की हुई है। या माय गॉड, एक तरह के एक सार बिल्कुल। तो भाई ये है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगड़ा में, और ये है वो। तो आइए जानते हैं भाई हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ बातें। भाई फ्रीडम फाइटर था ये, इनकी इज्जत तो कर ले। सैल्यूट बार। ये और इन्होंने अपनी लाइफ अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ सेक्रीफाइस कर दी थी। ये 1809 में इनका जन्म हुआ था विलोज खिंदा, खिंदा में नियर रंगेली संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। और मतलब इनके गांव के इनको वीर बुलाते थे, वीर सुरेंद्र साई। और इन्होंने आखिरी सांस उस जेल में ली थी, असीरगढ़ जेल 1884 में। अच्छा, 28 फरवरी 1884। ठीक। तो भाई ये फ्रीडम फाइटर हैं वीर सुरेंद्र साई, और इन्हीं के नाम पे ये है हवाई अड्डा। जय हिंद दोस्तों। देख सकते हो आप क्या खूबसूरती है हमारे भाई फ्रीडम फाइटर, क्या क्या किया इन्होंने अपनी लाइफ में, सेक्रीफाइस, अपनी ज़िंदगी को नौछावर कर दिया। फ्लाइट आ चुकी है भाई, और वो खड़ी फ्लाइट, और उसमें से उतर रहे पैसेंजर अपना। फिर आते हैं भैया भाभी को लेके, फिर चलते हैं अपना घर। और गाड़ियाँ आने लग गई हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स। एक बाप अपने छोरे का गली लगाने लगा। और यार हर लड़के का ना एक सपना होता है अपने पापा को गले लगाना। तो गाइस भाई फाइनली भैया भाभी आ चुके हैं, सबको सब जा चुके हैं, और भैया भाभी सबको भाई बोल के लास्ट में आए हैं। जलवा है हमारा है। और ये रहे हमारे भैया, वहाँ अब आ रहे हैं। और ये भाई हमारा प्यारा सा बच्चा अंश। हेलो हेलो हेलो। हाय मेरा बच्चा, कितना प्यारा लगता है, नजर नहीं लग जाए। आगे डांस किया है और फाटक पे खड़े हैं, फाटक बंद है। तो फिर बाइक पे अपना, और ट्रेन आ चुकी है, और मेरे साथ है प्यारे प्यारे दो बच्चे। हेलो। ओ यार यार, कितनी और समय यार। हेलो हेलो। और ट्रेन आ गई, लाइट बंद करके आ रही थी, अब चलाई है इसने। कहाँ से आ रही है? उधर से आ रही है। थैंक यू सो मच, बोलो जल्दी आगे ट्रेन। थैंक यू सो मच। भाई बहुत मज़ा आया यार आज। और भाई झारसुगड़ा का एयरपोर्ट मतलब है ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। और फ्लाइट तो आती है यार, कम से कम दो तीन ही फ्लाइट थी भाई, भीड़ भी थी यार। और भाई आपको आपको मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। और यहाँ आ रहे हैं कन्हैया मित्तल जी, तो भाई वहाँ चलेंगे शाम बाबा के जागरण में।
तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर चौहान, जय श्याम बाबा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।